नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अभी रिसेंटली सीएससी वालों ने एक डिजिटल कैंडिडेट की स्कीम अपनी सीएससी के अंतर्गत लॉन्च किया है। उसके अंदर आपको क्या करना है, 5 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, जो इन 5 कैंडिडेट का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो कौन से लिंक में रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनका रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो ये डिजिटल कैंडिडेट जो स्कीम है वो है क्या। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, आपने बहुत से यूट्यूबर का वीडियो ऑलरेडी देख चुका होगा, मुझे पता है आपको पता होगा कि ये डिजिटल कैंडिडेट्स क्या है। और दोस्तों, मैं जो वीडियो लेकर आता हूँ, जो ये वीडियो लेट लेकर आया हूँ, इस वीडियो को लेट लेकर आने का जो मेरा मकसद है वो दोस्तों यही है, मैं किसी भी जो योजना होती है या फिर स्कीम होती है उसके बारे में पूरा सोच समझ कर उसकी पूरी डिटेल पूरी जानकारी इकट्ठी करके ही वीडियो आपके समक्ष में लेकर आता हूँ। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा कि जो डिजिटल कैंडिडेट है क्या और इसमें क्या काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा, पर फिर भी बेसिकली तरीके से जो लोगों ने आपको नहीं बताया है वो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये डिजिटल कैंडिडेट क्या है और इसमें किस प्रकार से काम करना है। और उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो बेसिकली मैं पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये जो डिजिटल कैंडिडेट है ये उन जगह पे काम होगा कि जो मतलब आपकी ग्राम पंचायत है, आपकी ग्राम पंचायत में है, उस ग्राम पंचायत का जो वैली है, उस वैली को 5 कैंडिडेट उठाने हैं अपने गांव में से। और वो कैंडिडेट भी उस जगह से उठाने हैं, जैसे कि आपका ग्राम है उस ग्राम में से 5 जगह से 5 कैंडिडेट उठाने हैं, यानी अलग अलग एरिया में से उठाने हैं आपके वो कैंडिडेट। और उन एरिए में से 5 कैंडिडेट उठाने के बाद में अपनी जो सीएससी वैली है वो अपनी सीएससी आईडी में उनका रजिस्ट्रेशन करना है उनका। और बहुत से यूट्यूबर बता रहे थे कि एवरेज 4 लाख सीएससी आईडी के अकॉर्डिंग लगभग मतलब 20 लाख लोगों को रोजगार देगी सीएससी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, 20 लाख लोगों को एवरेज रोजगार इसमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पूरी ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में सिर्फ एक सीएससी वीएलई को ही ये काम मिलने वाला है। तो एवरेज यानी 2.5 लाख आईडियो पर ही, 2.5 लाख सीएससी आईडियो पर ही 5-5 कैंडिडेट के हिसाब से उन लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, अपनी ग्राम पंचायत में से 5 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेने हैं। तो वो कैंडिडेट मतलब ऑलमोस्ट थोड़े बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर और मोबाइल का उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। अगर उनमें से कोई महिला है, अगर आप महिला का रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि पहले महिला जिस आईडी में महिला का रजिस्ट्रेशन होगा उस आईडी को पहले वरीयता मिलेगी। जैसे कि आपके ग्राम पंचायत में अगर 5 सीएससी आईडी रन कर रही है, 3 सीएससी आईडी रन कर रही है, तो कोई बंदा अगर अपनी आईडी के अंदर अगर 5 कैंडिडेट महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करता है तो उस आईडी वाले बंदे को पहले वरीयता दी जाएगी और उस ग्राम पंचायत में उसी वीएलई को पहले काम दिया जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आप ग्राम पंचायत में से एक एक कैंडिडेट उठा लेना है अलग अलग जगह से और 5 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपनी आईडी में। वो बताऊंगा भी स्टेप बाय स्टेप लैपटॉप पे ले जाएगी कि कैसा करना है। तो उन कैंडिडेटों का पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपनी जो सीएससी आईडी के अंदर। आप जैसे उन कैंडिडेटों का रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन फिल करते टाइम कंप्लीट करोगे तो आप उनकी कैंडिडेट की एक आईडी और पासवर्ड वहीं पे जनरेट होगा, वो आईडी पासवर्ड उस कैंडिडेट को दे देना है। उस कैंडिडेट को देने के बाद में भी रिसेंटली जो सीएससी ने डिजिटल सेवा पोर्टल ऐप लॉन्च किया था, उसी प्रकार एक सीएससी का ऐप आएगा। उस ऐप के अंदर जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किया है और उसको जो आईडी पासवर्ड मिले हैं वो आईडी पासवर्ड उस ऐप के अंदर फिल करके वो ऐप कैंडिडेट को लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद में आप 5 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करवा के 5 कैंडिडेट के ऐप में उस पासवर्ड और आईडी की मदद से आपको 5 कैंडिडेट का ऐप लॉगिन करवा देना है। और ऐप लॉगिन करवाने के बाद में पहले आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब वो ट्रेनिंग क्या होगी, उस ट्रेनिंग का पैसा आपको सीएससी के द्वारा पूरा दे दिया जाएगा। तो उसके अंतर्गत आपको उन 5 कैंडिडेट को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो उस ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या करना है, उन लोगों को बताना है जिस गांव में जाकर वो काम करेंगे उस काम की ट्रेनिंग आपको उन कैंडिडेट्स को देनी है। तो वो कैंडिडेट्स की अब वो काम करेंगे उसकी ट्रेनिंग आपको बतानी है कि जो गवर्नमेंट द्वारा नई योजनाएं आती रहती है, नई योजनाओं का आवागमन होता रहता है, नई योजनाएं लॉन्च होती रहती है, उन योजनाओं के बारे में उन कैंडिडेट को आपको बताना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग देने के बाद भी वो 5 कैंडिडेट अपने गांव में जाकर सभी ग्रामवासियों को ग्राम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे उठाते हैं और उन योजनाओं के बारे में वो 5 कैंडिडेट अपने ग्राम में बताएंगे, उन ग्राम में घर घर में वो जानकारी पहुँचाएंगे। दोस्तों, इसकी जो आप ट्रेनिंग देंगे उसके ट्रेनिंग का पेमेंट भी सीएससी आपको प्रोवाइड करवा देगी। फिलहाल ये कंफर्म नहीं किया गया कि ट्रेनिंग का पेमेंट है वो सीएससी वीएलई को कितना मिलने वाला है, और ना ही अभी ये तय किया गया है कि जो ये जो 5 कैंडिडेट का जो
काम करेगी उस काम का पेमेंट किस हिसाब से दिया जाएगा और कितना पेमेंट दिया जाएगा, बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं कितना दिया जाएगा, पर अभी TSC ने ये क्लियर नहीं किया है कि जो डिजिटल कैंडिडेट का 500 कैंडिडेट का जो अमाउंट है वो किस हिसाब से दिया जाएगा। पर दोस्तों मैं बता दूं, इनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होगी, ये इस तरीके से रखा जाएगा, ये जितना काम करेंगे उतना काम के हिसाब से इन कैंडिडेट को पेमेंट दिया जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ी से मेरी तरफ से बता दूं, आप इन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पर ये कंफर्म अभी श्योर नहीं हुआ कि CSE इस काम को फील्ड में कब उतार देगी, कब ये चालू होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। 6 महीने भी लग सकते हैं और साल भर भी लग सकते हैं दोस्तों। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों फिलहाल अभी जो पिछले टाइम 2019 में इकोनॉमिक सेंसिस का काम चालू हुआ था, उसके अंदर CSE वालों ने 1 साल पहले ही एनुमेटर जुड़वान जो एनुमेटर लिंक करवाना जुड़वाना चालू कर दिए थे, और जो काम था वो दोस्तों 1 साल बाद में चालू हुआ था। तो एनिमेटर के वो ऑलरेडी मतलब दूसरे काम भी शिफ्ट हो गए थे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के, और जब कार्य चालू हुआ तो हमने उन एनिमेटर को बोला तो वो ऑलरेडी किसी दूसरे काम में जा चुके थे। तो इसी प्रकार मैं बता दूं कि ये कोई श्योर नहीं है, आप 5 कैंडिडेट अगर जोड़ रहे हैं दोस्तों तो आप अच्छे से सोच समझ कर ही जोड़ेगी ये कार्य। CSE 6 महीने भी लगा सकती है और साल भर भी लगा सकती है, तो आप सोच समझ कर ही जोड़ेगी। जो मतलब 6 महीने तक फ्री बैठा हुआ या 3 महीने तक फ्री बैठा हुआ हो उसी कैंडिडेट का इसके अंदर रजिस्टर करे। अगर आप मतलब ऐसे मतलब कोई काम करते हुए बंदे का इसमें रजिस्टर कर दोगे तो आप वेट करते रहोगे और बंदा अदरवाइज किसी दूसरे काम में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वेस्टेज चला जाएगा। तो मैं पहले बता दूं कि जो आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं बाद वो अच्छे से मतलब बंदे ढूंढ के ही करने हैं अपने ग्राम पंचायत में, जो अच्छे से नॉलेजेबल हो और फ्री बंदे हो। ऐसा नहीं करना है इकोनॉमिक सेंसिस की तरह कि मतलब आप पहले ही 10 एनुमेटर जोड़ दिए और CSE का जो एनुमेटर का कार्य है वो 1 साल बाद में चालू करवा रही है तो सारे एनुमेटर अपने दूसरे काम में शिफ्ट हो गए। तो मेरी तरफ से ये थोड़ी सी राय थी। तो चलिए अब दोस्तों हम बता देते हैं कि जो आपको डिजिटल कैंडिडेट के तहत जो 5 कैंडिडेट आपको जोड़ने हैं वो किस लिंक पे जोड़ने हैं और कैसे जोड़ने हैं। तो ये जानने के लिए सिंपली हमें चलना है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों लेट्स गो। तो दोस्तों जैसा कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद में सिंपली आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में सिंपली सबसे पहले आपको अपनी CSE ID यहाँ पे लॉगिन कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी CSE ID लॉगिन कर लेते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल टाइप करने के बाद में जो सबसे पहले आपके सामने जो फर्स्ट वाला लिंक आपको शो हो रहा है सिंपली इसी पे क्लिक कर लेना है, और इस पर क्लिक करने के बाद में सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी ID लॉगिन कर लेनी है यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ID लॉगिन कर ली है और मेरी ID यहाँ पे ओपन हो रही है। तो आपके सामने ID ओपन होने के बाद में जो फर्स्ट डैशबोर्ड ऐसा ओपन होगा, तो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद में सबसे पहले आपको चले जाना है आपके अकाउंट वाले ऑप्शन में। अकाउंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आपको नीचे जाना है कैंडिडेट। पहले आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते थे, माय प्रोफाइल और ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी जोड़ दिया गया है जहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप जितने भी कैंडिडेट जोड़े हुए होंगे अपनी ID में उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। पर अभी जो हमारी ID में है अभी एक भी कैंडिडेट नहीं जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हमें कोई भी लिस्ट शो नहीं हो रही है। तो आपको अगर नया कैंडिडेट जोड़ना है तो सिंपली इस वाले सिंबल पे आपको क्लिक करना है, ऐड कैंडिडेट वाले सिंबल पे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक छोटा सा फॉर्म है, सिंपली वो आपके सामने खुल जाएगा। तो ये फॉर्म खुलने के बाद में आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप करना है, जो कैंडिडेट आपको जोड़ना है उस कैंडिडेट के यहाँ पे आधार नंबर फिल करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो हम उस कैंडिडेट का यहाँ पे आधार नंबर फिल करते हैं। तो हम यहाँ पे कैंडिडेट के आधार नंबर फिल कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप आधार नंबर फिल करोगे तो आपको संपूर्ण आधार नंबर शो नहीं होंगे, आपको सिर्फ आधार के लास्ट के 4 डिजिट वाले नंबर ही शो होंगे। और आपने जिस कैंडिडेट के आधार नंबर यहाँ पे फिल किया है अब उसका यहाँ पे जो आधार में नाम है सेम टू सेम वो फिल कर लेना है। तो चलिए हम आधार में कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दोस्तों हो सके वहाँ तक आपको किसी महिला कैंडिडेट का यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई करना है उससे क्या होगा, आपकी जो CAC ID है, अगर आपकी ग्राम पंचायत में 5 CAC ID है तो जिस ID में अगर पांचों कैंडिडेट में महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसी कैंडिडेट वाले VLE को उस ग्राम पंचायत में काम दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर कैंडिडेट की हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आपके आपके सामने नीचे कैलेंडर दिखाई दे रहा है उसकी मदद से, तो हमने कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर ली है। उसके बाद में यहाँ पे हमें जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अगर फीमेल है तो फीमेल और मेल है तो मेल, पर मेरी सजेस्ट करूँगा यहाँ पे फीमेल आपका रजिस्ट्रेशन करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब उस कैंडिडेट की यहाँ पे मेल आईडी आपको फिल कर लेनी है, अगर आपकी मेल आईडी है तो उस कैंडिडेट की मेल आईडी भी आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कैंडिडेट की ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लिए हैं। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में आपके जस्ट सामने OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो मेल आपने फिल किया है उस मेल पे एक OTP सेंड की जाएगी, तो वो OTP उठाकर सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो हम देख लेते हैं कि मेल पे OTP आई है या नहीं आई है। तो सिंपली हमारे पास OTP आ चुकी है, तो OTP में जो नंबर है 6095 84, तो देख सकते हैं हमने OTP यहाँ पे फिल कर ली है। OTP फिल करने के बाद में यहाँ पे सिंपली वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने OTP वेरीफाई सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे कैंडिडेट के मोबाइल नंबर फिल कर लेने हैं। कैंडिडेट के मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में सिंपली वैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करना है, और सेंड OTP पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है OTP सेंड है बिन मोबाइल नंबर सक्सेसफुली। तो हम देख लेते हैं मोबाइल नंबर OTP हमें मिली है या नहीं मिली है। तो हमारे पास OTP आ चुकी है, तो हम यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में सिंपली OTP फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद में सिंपली पहले की तरह वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिवाइस टाइप, अगर कैंडिडेट के पास में स्मार्टफोन है तो सिंपली आपको स्मार्टफोन पे टाइप कर लेना है, और अगर बेसिक फ़ोन है तो सिंपली आपको यहाँ पे कैंडिडेट के बेसिक फ़ोन पर टाइप कर लेना है, पर मैं सजेस्ट करूँगा आप स्मार्टफोन पर ही टाइप करें। स्मार्टफोन पे टाइप करने के बाद में आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ट्राई किया था तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पे मोबाइल में लॉगिन करके ओपन किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल के अंदर बाकायदा यहाँ पे दिखा रहा है सबमिट का बटन यहाँ पे। तो अगर आपके अगर लैपटॉप में भी मेरी तरह यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद में अगर सबमिट का बटन शो नहीं हो रहा है तो आप अपने मोबाइल में जो ऐप की मदद से अपनी ID ओपन करके अभी जो मैंने फिल किया था सेम टू सेम वैसा यहाँ पे सब कुछ फिल करके आप यहाँ पे नीचे इस ब्रेक मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका कैंडिडेट रजिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और दोस्तों वीडियो को एक लाइक देना ना भूले। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।